पामिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पहले दिन आपको कुछ बताए थे, बहुत कुछ नहीं बता पाए थे, लेकिन आज जिनको मतलब पामिस्ट्री का कोर्स करना है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे कोर्स से कोई मतलब सॉफ्टवेयर में भी और जैसे भी चाहे वो ले सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन जो मैं दे रहा हूँ उसमें पढ़ सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि हाथों पे जो उभरे हुए निशान रहते हैं, उभरे हुए देखे होंगे, हाँ में कुछ भाग दबे रहते हैं, कुछ उभरे होते हैं, जिनको हम पर्वत बोलते हैं, तो पर्वतों के बारे में आज बताएंगे। और देखिए जो ये हमारा जीवन रहता है इसको घेरे हुए जो पर्वत रहता है, देखिए ये जो है ये शुक्र पर्वत बोलते हैं। इसको कौन सा पर्वत बोलते हैं, इस पर लंबी लंबी रेखाएँ रहती हैं, शुक्र पर्वत बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम जो दूसरा सबसे उभरा हुआ पर्वत रहता है तो वो गुरु पर्वत होता है। दूसरा पर्वत क्या रहता है, गुरु पर्वत होता है। और जो तीसरा जो पर्वत रहता है ये जो आकाशमंडल हमारे ग्रह रहते हैं उन्हीं के नाम से, तीसरा जो होता है शनि पर्वत होता है। और चौथा क्या होता है, ये सूर्य पर्वत। आप हाथ खोल के अभी देख सकते हैं ये पर्वत उठे रहते हैं, कई बार सर अपने स्थान से सरके हुए रहते हैं, तो इनको हम सूर्य पर्वत बोलते हैं। और जो आपका पचवा है ये बुद्ध पर्वत है। और जो सतवां है ये ऊर्ध्वमंगल बोलते हैं, देखिए ये ऊर्ध्वमंगल बोलते हैं। आठवां है निम्न मंगल बोलते हैं, ध्यान से देखिए और आप सीख भी सकते हैं और अपना सीख के आप अच्छा खासा युग उपार्जन भी कर सकते हैं। और जो आठवां है वो आपका निम्न मंगल है, और नवा जो है ये चंद्र पर्वत है। तो मित्रों आज हम आपको पहले पर्वत के बारे में बताएंगे, शुक्र पर्वत के बारे में बताएंगे। यह पर्वत अगर हाथ में उभार लिए रहता है, शुक्र पर्वत जो ये पर्वत है, ये जो आप पर्वत देख रहे हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। ध्यान से देखिए, इसमें तीन रेखाएं हैं, अंगूठे के दूसरे पलों के नीचे जीवन रेखा से घिरा हुआ स्थान शुक्र पर्वत कहते हैं। इससे हमारे अंदर विलासता, काम वासना, संतान उत्पादन शक्ति, संगीतता, सहानुभूति आदि गुण होते हैं, जिनके में सुख पर्वत उभार लिए होता है। उभार लिए वो व्यक्ति शालीनतापूर्ण जीवन, ऐसा व्यक्ति देखने में सुंदर प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, जिनका ये पर्वत उठा रहता है स्वस्थ और प्रभावशाली होते हैं। और जिनका नहीं उठा उनको उठता है तो वो साधु संत निर्मोही होते हैं, घर बार छोड़ के संन्यास ले लेते हैं। और यह पर्वत कम विकसित होता है तो उस व्यक्ति में जो साहस उत्साह की कमी रहती है। तो ध्यान से देखिए, ये जो है जीवन रेखा और अंगूठा के नीचे के भाग को कहते हैं। मित्रों हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यह पर्वत उभार लिए हो तो व्यक्ति तेजस्वी मतलब तेजस्वी होता है, लवटमान आकर्षक व्यक्ति वाला होता है। जो बड़े बड़े सुपरस्टार नेता होते हैं उनका पर्वत ये उठा हुआ होता है। और ऐसे व्यक्ति आपातकाल में भी हंसते रहते हैं, ऐसा व्यक्ति मतलब हमेशा वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। कलात्मक वस्तुओं और संदिग्ध प्रस्तुति उनका लगाव रहता है, जिन्हें तो उन्होंने शुभ पर होता आवश्यकता से अधिक उठा हो तो गड़बड़ है। ऐसा व्यक्ति भोगी विपरीत शक्ति पर लड़ाई रहता है। शुभ पर्वत के अनुकूल मानव जीवन उपेक्षा दुख परेशानी अगर नहीं रहता है तो आदमी वो मतलब उसको आनंद और नहीं रहता उसके जीवन में। इसलिए मित्रों ये पर्वत बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको इंग्लिश में वीनस बोलते हैं, उठा होना चाहिए। और प्रधान व्यक्तियों को गले ये थोड़ा सा गले से परेशान होते हैं, गले में थोड़ी परेशानी रहती है। तो मित्रों आज मैं इतना ही बताया हूँ, कैसा लगा हमारा ये क्लासेस, और आप ज़रूर बोलिएगा। और आपको कोई भी हेल्प हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।